राम राम जी, नमस्कार नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों में मेन आता अरब आक्रांताओं का नाम, और वो कौन अरब आक्रांता था जिसने भारत के एक महान शक्तिशाली शासक को पराजित किया था, और उसका नाम शासक का भारतीय दाहिर सेन, यानी 17 वर्षीय एक अरब आक्रांता क्यों भारतीय महान शासक को पराजित कर देता है, और उस 17 वर्षीय अरब आक्रमणकारी के द्वारा भारत की विजय उपलक्ष में भी उसको सजाए मौत मिलती है, आखिर क्यों उसकी हत्या कर दी जाती है, आदि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम मुस्लिम की, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जिस इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब करते हैं, वो इस्लाम वास्तव में ही उस दौर का अच्छा या सर्वश्रेष्ठ धर्म था। परंतु जो ही पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है, कब हुआ था जी, 632 में, और पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस धर्म को, इस्लाम धर्म का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको कहने लगे थे खलीफा। क्या कहने लगे थे जी? खलीफा कहने लगे थे। और प्रथम जो खलीफा था वो अबू बकर था, इस्लाम का प्रथम खलीफा अबू बकर। और ये जो खलीफा थे ये धर्म गुरु थे, और धर्म गुरु के साथ साथ ये राजनीतिक अधिकारों, राजनीतिक पद भी इनके पास ही होता था। किनके पास? खलीफाओं के। अब देखो जी, ये खलीफा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार का इनका जो तरीका है वो जायज नहीं है, नाजायज है, यानी बलात् ये धर्म परिवर्तित करवाते हैं, आक्रमण करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए ही इस्लाम को बुरा बताया जाता। हालांकि स्थापना के समय इस्लाम श्रेष्ठ धर्म था, परंतु जो धर्म गुरु ये धर्म के ठेकेदार थे, इन्होंने धर्म को बिगाड़ कर रख दिया था। चलो हम देख रहे हैं मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं कि भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो मुस्लिम आक्रमण के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, आखिर भारत पर उस दौर में किया जाने वाला मुस्लिम आक्रमण सफल क्यों हो जाता है, और भारत में ये मुस्लिम प्रवेश क्या सर्वप्रथम आक्रमणकारी के रूप में करते हैं, आदि बातों के बारे में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखो, प्रथम खलीफा अबू बकर है, अबू बकर के बाद में उमर है, उस्मान है, अली है, अनेक जो खलीफा हुए थे। इसी क्रम में जो खलीफा था अरब का, जो खलीफा वालिद, क्या नाम होता है जी, खलीफा वालिद होता है। इस खलीफा वालिद के समय, अब देखो इस्लाम की स्थापना से पूर्व भी अरब व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे, और भारतीय व्यापारिक जो मार्ग थे ये सिंधवाड़ा ही मार्ग था, मेन जो तुर्की का क्षेत्र था इधर से जो व्यापार वगैरह होता था, ठीक है, कैस्पियन सागर है, काला सागर से व्यापार होता था, ये इधर, ये जो नीचे से जो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इस साइड से नहीं, सीधा ही व्यापार होता था। मेन जो क्षेत्र था तुर्की था, ठीक है जी, मेन तुर्की जो मध्य का सेंटर का क्षेत्र था, मध्य एशिया का क्षेत्र। अब देखो, जब खलीफा वालिद था, वालिद के समय भी व्यापार हो रहा था भारत के साथ, परंतु खलीफा वालिद के समय भारत में एक अरबों के झांझ को लूट लिया जाता है। किसके समय? खलीफा वालिद जो था, उस खलीफा वालिद कहाँ का? अरब का खलीफा है इस समय, या कह सकते हैं इराक का, या मुस्लिम खलीफा इस समय। इनके एक झांझ था, उस झांझ को अपने इस सिंध के इलाके में, सिंध के जो लुटेरों के द्वारा उस झांझ को लूट लिया जाता है। इस दौर में यहां पर सिंध का जो शासक था वो था दाहिर सेन। कौन था जी? सिंध का शासक कौन होता है? दाहिर सेन होता है। अब खलीफा वालिद है, खलीफा वालिद के जहाज को इस यहां पर लूट लिया जाता है। अब ये झांझ के व्यापारी शिकायत खलीफा से करते हैं, खलीफा ये रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपने गवर्नर के पास, और गवर्नर था हजाज। कौन था जी? गवर्नर हजाज था। हजाज को कहा गया कि हजाज, कि अपने अरब व्यापारियों का झांझ सिंध में लूट लिया गया है, आप पता करो सिंध में आखिर किसने लूटा है।
हजाज है वो मुलाकात करता है दाहिर सेन से और दाहिर सेन है वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है। दाहिर सेन कहे भैया मेरे को पता नहीं अब किसने लूटा, क्योंकि जो अरब ये सिंध के लुटेरे थे उन्होंने झांझ लूटा था, यानी सिंध का शासक दाहिर सेन अरबों के लूटे गए झांझ का संतुष्ट या संतोषजनक जवाब नहीं देता है। इसी कारण इराक के गवर्नर हजाज ने, किसने जी, हजाज ने बुद्देला व अबुद्देला को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बुद्देला व अबुद्देला, बुद्देला व अबुद्देला को आक्रमण के लिए भेजता है, परंतु ये दोनों असफल होकर पुनः लौटते हैं और असफल होकर जब लौटे थे हजाज ने इन दोनों की क्या कर दी जी, हत्या। किस किस की? बुद्देला व अबुद्देला की। हालांकि ये नहीं कि बुद्देला व अबुद्देला पहले आक्रमणकारी है क्या, कोई सफलता तो हासिल की नहीं। हालांकि इनसे पहले भी 636 में इस मुंबई के क्षेत्र पर आक्रमण अरबों का हो चुका था। अब देखो हजाज का एक दामाद था जिस दामाद का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम होता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को ये नेतृत्व सौंपा था हजाज ने कि कैसे भी करके सिंध के राजा दाहिर सेन पर अपने को आक्रमण करना है, क्योंकि सिंध के राजा दाहिर सेन के इलाके में अरबों का झांझ लूट लिया गया है जिसका दाहिर सेन संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे, और इसी कारण ये अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाली प्रथम मुस्लिम जाति कौन सी थी? तो वो अरब जाति थी। और आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। और आक्रमण कब किया था? तो 712 में किया था। और इसकी जानकारी मिलती है बिल्ला दूरी की जो एक बुक है, बिल्ला दूरी कृत किताब उल फुतुल उल मुहिनुद्दीन, बिल्ला दूरी की जो रचना से जानकारी मिलती है, किताब उल मुहिनुद्दीन, किताब उल फुतुल मुहिनुद्दीन ऐसे करके बिल्ला दूरी की बुक है। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 में। मोहम्मद बिन कासिम इधर बढ़ता है और यहां पर दाहिर के नगर जिसका नाम था सिंध, इस सिंध नगर को घेर लेता है। कहते हैं काफी दिनों की घेराबंदी के बाद भी ये 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन को पराजित करने में असफल था। और उस पराजय में असफल का मेन कारण क्या था कि सिंध में एक मंदिर बताया जाता है और जिस मंदिर पर एक ध्वजा थी, और दाहिर सेन की सेना का यह विश्वास था कि जब तक अपने मंदिर की ध्वजा लहराएगी तब तक हम हार नहीं सकते। ये एक अपने आप में धर्म का आत्मविश्वास था। धर्म के नाम पर क्या था अपने वालों में? आत्मविश्वास। और इनके क्या होता है? धर्म के नाम पर इनमें कट्टरता होती। अपने वाले में आत्मविश्वास अपनी सुरक्षा के लिए, हालांकि ये अपने धर्म की कट्टरता में अपनी तो सुरक्षा है परंतु दूसरे की क्या ले लेते हैं जी? जान ले लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। दाहिर सेन पर आक्रमण करता है परंतु मोहम्मद बिन कासिम काफी दिनों का जब सफल नहीं हुआ तब चाल चलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो मंदिर का पुजारी था उससे कोई मुलाकात की। कहते हैं इस मंदिर के पुजारी ने मोहम्मद बिन कासिम को ये राज बता दिया कि कासिम जी जब तक आप नहीं जीत पाओगे तब तक हमारे मंदिर की या सिंध के मंदिर की ये ध्वजा लहराएगी। और कासिम ने तीर से इस ध्वजा को गिरा है। जो ही ध्वजा को गिरा देता है कासिम सिंध को पूर्णतया तहस नहस कर देता है, क्योंकि दाहिर सेन की सेना ने आत्मविश्वास खो दिया था कि अपने मंदिर की ध्वजा गिर गई है, हम हार गए। दाहिर सेन को उस दौरान कहते हैं घेर लिया जाता है, तीर लगता है, दाहिर सेन घायल हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। ये 712 में युद्ध का नाम आता रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? 712 में रावर का युद्ध। किन किन के मध्य? दाहिर सेन व खलीफा वालिद। ये खलीफा वालिद का जो ये भेजा गया सेनापति कौन? मोहम्मद बिन कासिम। खलीफा तो वालिद है, गवर्नर हजाज है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। और मोहम्मद बिन कासिम और इस दाहिर सेन के बीच रावर का युद्ध होता है जिसमें दाहिर सेन घायल होकर वीर गति को प्राप्त हो चुका था।
केवल और केवल 17 वर्षीय बंदा दाहिर सेन को पराजित कर देता है, क्योंकि सिंध का ये यहाँ पर विश्वासघाती जो इस मंदिर का पुजारी बताया जाता है साहब, जिसकी रचना बिल्लादूरी अपनी बुक में उल्लेख करता है। यही नहीं, अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इसके बारे में उल्लेख करते हैं, इस आक्रमण के बारे। उसके बाद में दाहिर के परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था? सबसे पहले तो यहां जो जनता थी, इस जनता का कत्लेआम कर दिया था। 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम ने उसी बंदे को छोड़ा था जिसकी उम्र 17 वर्ष से कम थी। 17 से ऊपर वाले सबको कत्लेआम कर दिया जाता है। दाहिर सेन की जो पत्नी थी रानी देवी, क्या नाम थी? रानी देवी थी। रानी देवी ने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया जनाब? जौहर कर लिया था। हालांकि दाहिर की एक अन्य जो रानी थी लाडी, उस लाडी ने प्लस में एक रानी का नाम है जो चंद्र, ये लाडी इसकी जो रानी थी लाडी रानी, 2 पुत्रियां थी सूर्य देवी, एक का नाम है परमल देवी। ये 3 सूर्य देवी, परमल देवी व लाडी रानी को कैद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय का समाचार अपने गवर्नर हजाज के माध्यम से, या कह सकते हैं वालिद खलीफा के पास पहुंचा दिया, और ये और खत में पहुंचा दिया कि खलीफा आपके लिए बोलो क्या भेंट भेजूं, मेरे पास भेंट भेजने लायक 2 है, सूर्य देवी व परमल देवी, दाहिर के राजा, ये सॉरी राजा दाहिर की 2 पुत्रियां। ये इनकी नीतियां थी और इसी कारण इस्लाम को बुरा बताया जाता है। सूर्य देवी परमल देवी दोनों को कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने एक भेंट स्वरूप खलीफा वालिद के पास भेजा था, परंतु ये दोनों भी कम नहीं थी। इनके रगों में भी दाहिर सेन की वीरता का खून दौड़ रहा था। सूर्य देवी परमल देवी, इन्होंने रस्ते में ही सोच लिया कैसे भी करके हमें अपनी जनता, जो निर्दोष जनता थी 17 वर्ष से ऊपर वाली, उसकी हत्या का बदला लेना है। किस से? मोहम्मद बिन कासिम से। ये इन्होंने सोच रखा था ऑलरेडी, सूर्य देवी व परमल देवी। और सूर्य देवी परमल देवी को बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब खलीफा वालिद के सामने पेश कर दिया गया था, इसका उल्लेख करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उसके अनुसार बता रहा हूं, ये नहीं कोई एकदम ये कोई मनगढ़ंत खानी होगी। कहते हैं जो ही खलीफा के सामने इन परमल देवी सूर्य देवी को पेश किया जाता है, इन्होंने कहा खलीफा आप धर्म गुरु हो, कितने बड़े महान व्यक्ति महान पुरुष हो, हम तुम्हारे लायक नहीं है जनाब, हम तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? हम जूठे हुए फूल हैं, हमारा भोग हो चुका है, हम जूठन हैं। किसकी? हमें पहले ही हमारा कौमार ये लूट लिया मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे को जूठा हुआ कर दिया। जूठन है मोहम्मद बिन कासिम की, आप धर्मगुरु क्या उसकी जूठन को आप यूज करोगे? खलीफा वालिद आग बबूला हो जाता है कि जिस मोहम्मद बिन कासिम मेरा एक सेनापति है, वो मेरे पास सूर्य देवी परमल देवी को एक तोहफे के रूप में भेजकर क्या जूठन भेजी है? उसी दौरान खलीफा वालिद ने आदेश दिया कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में जो मोहम्मद बिन कासिम, उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की विजय कर रहा था, कि मोहम्मद बिन कासिम को जल्दी से जल्दी लाया जाए, वो भी गधे या बैल की खाल में। गौरीशंकर ओझा के अनुसार बताया जाता है कि खलीफा वालिद के आदेश के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिला जाता और ले जाया जाता अरब। जो ही वहां पर ले जाया गया था, बीच रस्ते में मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो गई थी? मृत्यु। भैया बैल की खाल में सिला हुआ है कासिम, यानी जिस कासिम ने भारत की विजय प्राप्त की थी, वो कासिम अपने ही खलीफा धर्मगुरु वालिद के द्वारा मार दिया जाता है। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था मैन सूर्य देवी व परमल देवी।
और सूर्य देवी परमल देवी के सामने जो ही मोहम्मद बिन कासिम को खोला जाता है, मोहम्मद बिन कासिम मर्त निकला था, उसी दौरान सूर्य देवी परमल देवी ने कहा हमारा कभी भी जूठन नहीं किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वारे खलीफा वाह वालिद तुझे तेरे ही सेनापति पर भरोसा नहीं है, हमें हमारी निर्दोष जनता की हत्या का बदला लेना था कासिम से, सो ले लिया। उसी दौरान कहते हैं कि सूर्य देवी व परमल देवी भी दोनों कटार घोंप कर आत्महत्या कर लेती हैं और अपने अभिमान की कह सकते हैं सुरक्षा की थी, अपनी स्वयं की रक्षा करती हैं किन से, इन खलीफाओं से, धर्म गुरुओं से। इससे पहले इनकी माता ने रानी देवी ने भी क्या कर लिया था, जोर। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम है। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी भी कौन है, अरब जाति है। कब किया था, 712 में। किस पर, दाहिर सेन पर। दाहिर सेन कहां का था, अरब यहां का, सिंध का राजा था। कौन सा युद्ध होता है, रावर का युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम यही निकला था कि जो अरब थे उसके बाद में धीरे धीरे भारत में मुस्लिम आक्रमण होने लग जाते। मुल्तान के कुछ क्षेत्र पर अधिकार भी कर लिया था अरबों ने, और यह था अपना भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का। जिस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था उसी मोहम्मद बिन कासिम को उसी के खलीफा ने हत्या कर दी थी, और उसका मेन श्रेय दिया जाता है अपनी रानी देवी व परमल देवी, जो महिलाओं ने अपने कौमार्य की रक्षा भी की थी, अपने स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखा था। धन्यवाद दोस्तों, जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।